हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज का हमारा एपिसोड है हाउ टू सिलेक्ट कंट्री फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड मास्टर। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षित। हमारे रिसर्च टीम ने जो डेटा एनालिसिस किया है, उस हिसाब से इन 6 कंट्रीज में स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा फॉरेन स्टडीज़ के लिए अप्रोच करते हैं। कनाडा, यूके, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आज हम बात करने वाले हैं उस कंट्री के बारे में जहां पे 14% इंडियन स्टूडेंट्स फर्दर स्टडीज़ के लिए उसका अप्रोच करते हैं, और वो कंट्री है कनाडा। कनाडा जाने के लिए आपको टेम्पररी वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। टेम्पररी वीज़ा की ड्यूरेशन आपकी स्टडी कोर्स की ड्यूरेशन से 90 डेज़ ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अब ये 90 डेज़ का क्या चक्कर है, यही आप सोच रहे होंगे ना। तो कैसा होता है दोस्तों, कि जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको ये 90 डेज का बफर टाइम मिलता है दूसरे नए कोर्स में एनरोल करने के लिए। और दूसरा है स्टडी वीज़ा, जो कि आपको स्टडी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। स्टडी वीज़ा की सबसे अच्छी बात ये है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। और ऑनलाइन की सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, आपको बताइए, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिस भी कर जाए तो आप उसको बाद में अपलोड कर सकते हैं, और आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक भी कर सकते हो। और दोस्तों, आपको क्वेश्चन होगा कि आपको स्टडी परमिट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको ये वाले डॉक्यूमेंट चाहिए। प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अ वैलिड पासपोर्ट, फोटोज एंड एनी अदर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ फिनेंशियल सपोर्ट, अ प्रूफ ऑफ एजुकेशन लोन और बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स और एनी अदर सुटेबल डॉक्यूमेंट। What are the benefits of studying in Canada? In Canada, qualification value around the world, Canada is renowned for its high quality of education, affordable education also providing, universities, financial support for education, work while study, it have a multicultural country, also a good life and students safety. आपको भी लगता होगा कि कनाडा एक्सपेंसिव है या नहीं। कनाडा में ज़्यादातर रेंट और इंश्योरेंस के खर्चे कम रहते हैं, और गैस और एक्स्ट्रा जो यूटिलिटीज़ होती है उनके खर्चे थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप कनाडा कंट्री सिलेक्ट करते हो तो वहाँ का एक्सपेंस आपको इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। क्या कनाडा में फूड एक्सपेंस ज़्यादा है या नहीं? एवरेज कॉस्ट ऑफ फूड इन कनाडा इज़ $42 पर डे। Based on the spending habit of previous travelers when dining out, an average meal in Canada should be cost around $17 per person. तो चलिए हम आगे बात करते हैं कॉस्ट ऑफ स्टडिंग एंड लिविंग इन कनाडा। सबसे पहला है ट्यूशन फी, दूसरा है एकोमोडेशन, तीसरा है लिविंग एक्सपेंस, चौथा है मिसेलेनियस एक्सपेंस, राइट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्यूशन फीस। ट्यूशन फी आपके सबसे प्राइमरी चंक में, जैसे कि 7000 से 35000 पर ईयर कैनेडियन डॉलर आपकी फ़ीस रहती है। वो जो रेंज रहती है वो बेस्ड ऑन आपके जो कोर्स सिलेक्ट किया है, कॉलेज सिलेक्ट की है, उसके ऊपर वेराइड रहती है। दूसरा आपका आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको कैंपस के अंदर रहने के लिए फैसिलिटीज़ देती है, राइट। और काफ़ी सारी जगह पे स्टूडेंट कैंपस के अंदर शेयरिंग बेसिस पे रहते हैं और कैंपस के बाहर भी रहते हैं, तो उसका ज़्यादातर खर्चा आपको रहता है 8000 to 10000 कैनेडियन डॉलर पर एनम। तीसरा आपका रहता है लिविंग एक्सपेंस। लिविंग एक्सपेंस को हम काउंट करते हैं आपका कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, देन बुक्स एंड सप्लाइज, डेली नीड्स के आइटम, वो सारी चीज़ें आपकी डेली नीड्स में आ जाएगी। तो उसका आपको खर्च गिन के चलना है 6000 to 10000 कैनेडियन डॉलर, एंड इट इज़ अ इंडिकेटिव अमाउंट। एंड लास्ट वन रहता है आपका मिसेलेनियस खर्च। जो मिसेलेनियस खर्च आपका रहता है 300 to 800 कैनेडियन पाउंड, इट इज़ ऑल्सो इंडिकेटिव अमाउंट, बिकॉज ऑफ इसमें आपका लगता है वीज़ा एंड स्टडी परमिट, दैट कैम अप्रोक्सीमेटली 150 कैनेडियन डॉलर, एंड आपका हेल्थ इंश्योरेंस की रेंज रहती है बेस्ड ऑन कौन सी कंपनी, कौन सा आप सिलेक्ट करते हो, किस तरह का करते हो, बिकॉज ऑफ आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो वो भी आपको चाहिए रहेगा। तो उसकी कॉस्ट रहेगी 300 to 800 कैनेडियन डॉलर पर ईयर। और दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कनाडा के कॉलेज सिलेक्शन और उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।